ओम शांति। आज 29 तारीख 11 मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ये राजयुग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए, ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत बहुत आज्ञाकारी और मीठा होकर के चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों में अर्थात वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा अर्थात शक्ति भरेगी। वरदान, अपवित्रता का अंश आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति, ओम शांति।